आज हम बनाने वाले हैं प्रॉन एंड कोकोनट करी। प्रॉन एंड कोकोनट करी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रॉन्स को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन में हम ऐड कर लेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। सॉल्ट टू टेस्ट यानी नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर, 1/2 नींबू का रस। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रॉन्स को हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में फॉर एटलीस्ट 1/2 आवर यानी कि 1/2 घंटे के लिए। जब प्रॉन्स मैरिनेट हो जाए तब हम एक पैन में ले लेंगे 1/2 कप ऑयल यानी कि 1/2 कप तेल और उसमें हम ऐड कर लेंगे मैरिनेटेड प्रॉन्स। प्रॉन्स को हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक पका लेंगे। इस तरह से प्रॉन्स को हम थोड़ा सॉटे करते हुए पका लेंगे। जब प्रॉन्स पक जाए तब हम उसकी कोकोनट करी रेडी कर लेंगे। एक पैन में हम ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल यानी कि तेल, उसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, थोड़े से करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्च। इसे थोड़ा सॉटे कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 फाइनली चॉप्ड ऑनियन यानी कि 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब प्याज थोड़े ब्राउन हो जाए तब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ी देर भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सारे मसालों को हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर यूज़ किया है जिसे मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। टमाटर को सारे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप फ़िश स्टॉक। अगर आपके पास फ़िश स्टॉक नहीं है तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए और फिर इसे कवर करके हम इसे तब तक पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और तेल एक्सट्रैक्ट होने लगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉन्स जो हमने पहले पका लिए थे। प्रॉन्स को हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। अराउंड 1 कप हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट और पका लेंगे और लास्ट में हम ऐड कर लेंगे इसमें धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे और ये हमारी प्रॉन एंड कोकोनट करी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।